किसी पापी ने प्रतियोगिता जिताने के बदले हमारे साथ दुष्कर्म करने की शर्त रखी थी और शर्त ना मानने पर हमें जान से मारने की धमकी दी थी, जिसका पर्दाफाश करने के लिए हमने कांस्टेबल राघव की हेल्प से एक सेलफोन की व्यवस्था की और उसमें इसके शर्मनाक प्रपोजल को रिकॉर्ड करवाया। अगर आप सबको हम पर यकीन नहीं होता तो आप आरती जी से पूछ लीजिए, ये आपको बताएंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, क्योंकि इनके साथ ये भी इन्वॉल्व है। पूनम जी सच कह रही है, पहली बार बाबा के पास ये आरती ही हमें झूठ बोलकर लेकर गई थी। आरती, वक्त आ गया है कि तुम अपने झूठ के सच को स्वीकार कर लो और इस बाबा की सच्चाई सबको बता दो। चलो बताओ सबको। मैं ही विद्या को लेकर गई। लेकिन स्वामी जी के पास नहीं, किसी और के पास, उस इंसान के पास जिसने मुझसे ये सब करवाया और जिसने विद्या के सामने ये सब शर्तें रखी। तुम जानना चाहती हो वो कौन था? वो इंसान है सागर मल्होत्रा। सागर मल्होत्रा, खराब हो गया है तुम्हारा? इतना बड़ा झूठ आखिर किस लिए? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं? अंबिका जी बताइए इन सबको, क्या आपने इनको छिपते छिपाते तान्या के पीछे जाते नहीं देखा? इतना ही नहीं सागर साहब, अंबिका जी ने तो आपको छुप छुप के विद्या से बात करते भी देखा है। सिर्फ इस वजह से ये सब मेरा किया जरा हो गया? मुझे इस बात का शक था कि इस आश्रम में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रहा है। सिर्फ उसी का पता लगाने के लिए मैंने दो बार तान्या का पूछा और पूनम की तरह मैं भी सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, और यही वजह थी कि इन सब में मेरा भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है। और दोबारा अगर तुमने ऐसी बात कही, बार बार बोलूंगी क्योंकि यही सच है। मुझे जितनी बार जरूरत पड़ेगी ये सच मैं बार बार बोलूंगी। आरती सही कह रही है, इस आदमी ने कभी मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। अपने झूठे अहम के कारण ने हमेशा मुझे गलत साबित करने की चेष्टा की और आज मेरे इस आश्रम में पहले उस सारी बुराई की जड़ यही आदमी है। ये सच नहीं है। आरती सागर जी पर झूठा इल्जाम लगा रही है। अच्छा, अब आरती झूठ बोल रही है? अभी तो तुमने कहा कि आरती सच बताओ। जब आरती ने सत्य बता दिया जो तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी से मेल नहीं खाया, तो अब आरती झूठ बोल रही है। हाँ, आरती झूठ बोल रही है और तुम भी। अपने सर का बोझ हल्का करने के लिए तुम दोनों मिलकर सारा इल्जाम सागर जी पर लाद रहे हो। हमें भी पहले सागर जी पर ही डाउट था, लेकिन हमारा शक तब दूर हुआ जब विद्या जी ने हमें सच्चाई बताई स्वामी जी के बारे में। सच? कौन सा सच? और ये क्या बताएगी मेरा सच? इसका सच तो मेरे सीने में छुपा हुआ, जो मैं आज आप लोगों को बताने के लिए विवश हो गया।
महिला जो आप लोगों के सामने सती सावित्री बन करके खड़ी है, इसने प्रस्ताव रखा था कि स्वामी जी आप मुझे इस प्रतियोगिता में विजयी बना दीजिए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। यहां तक कि एक पतिव्रता स्त्री की मर्यादा भी। मैंने अपने ब्रह्मचर्य की कैसे रक्षा की है वो मैं जानता हूं। ए बाबा, अगर गरम तवे पर नंगे पैर रखकर भी बोलेगा ना तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगा। वो मेरी पत्नी है और वो कभी झूठ नहीं बोलती, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। क्षमा करना बच्चा, तुम अपनी पत्नी के बारे में अभी कुछ नहीं जानते। उसे मान मर्यादा नहीं, वो जीवन में प्रगति करना चाहती है, जिसके लिए वो कोई भी मूल्य चुका सकती है। बस! बहुत हो गया तुम्हारा नाटक और बहुत हो गया तुम्हारा बकवास। हम सब यहाँ बेवकूफ बैठे हैं। अगर विद्या जी तुम्हारे पास आई थी तो तुमने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? बाहर क्यों नहीं निकाल दिया इन्हें? क्यों रखा कॉम्पिटिशन में? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी स्त्री की मर्यादा पर कालिख लगे। मैं स्त्री के स्त्रित्व और उसकी मर्यादा का पूरा सम्मान करता हूं, जहां तक मेरा वश चले मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो जनता जनार्दन, सत्य और गलत का निर्णय अब आपके हाथों करना है। एक तरफ मैं हूं और एक तरफ इन लोगों के लांछन। अब आप लोग स्वयं तय कीजिए कि सत्य कौन बोल रहा है और असत्य कौन। यदि आप लोगों की दृष्टि में मैं दोषी पाया जाता हूं तो आप लोगों की अदालत में मैं दंड पाने के लिए तैयार हूं। आप लोग अपना निर्णय सुनाने से पहले यह ध्यान रखिएगा, जो ये निर्लज्ज लड़की स्वामी ओमकार का अपमान करने का साहस कर सकती है, जो किसी भी महिला को समझा बुझाकर किसी दूसरे पुरुष के पास भेज सकती है, तो फिर खुद ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लड़की का चरित्र कैसा होगा। आए! आए! जी के बारे में अगर एक शब्द और बोला ना तो यही तेरी समाधि बना दूंगा। इस पर लोग फूल चढ़ाने नहीं आएंगे, जूते चप्पल बरसाने आएंगे। मैं उसी दिन समझ गया था जब इसी के आश्रम के एक आदमी ने मुझे बताया था कि आश्रम महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, और उसी की बात पर भरोसा करकर मैं अपनी पत्नी को यहां से वापस ले जाने भी आया, लेकिन ये इसने मुझे समझा बुझाकर वापस भेज दिया। होगी कहीं का, आज तेरी लंका का अंत आ गया है बाबा। और ये सब लोग मिलकर तेरी इस लंका का दहन करेंगे। देख रहे हैं भक्तों, एक तरफ पत्नी झूठा आरोप लगा रही है और दूसरी तरफ उसका पति इस तरह मार रहा है। क्या इस देश में यही सम्मान रह गया है संतों का? शट अप, जस्ट शट अप। संत कहलाना तो दूर, संत शब्द बोलने के भी लायक नहीं हो तुम। जितना भी चाहे चिल्ला दे, आज सबको पता चल के रहेगा
कि सच्चाई क्या है। इस संत के पीछे छुपा हुआ ये भेड़िया कितना बड़ा याश खूनी है, हत्यारा है। यस, यू आर अ ब्लडी मर्डरर। तुमने तानिया का खून किया है। झूठ, झूठ बोल रही है पागल लड़की। भला मैं किसी का खून क्यों करूंगा। हत्या का एक नया आरोप लगा रही है मुझ पर। और तुम्हारी बात कौन सुनेगा? हो कौन तुम? हम इन सब का एक हिस्सा है। इतने सालों से जिसके विश्वास के साथ तुमने विश्वासघात किया है, तो जाओ जनता के बीच खड़े होकर खूब चीखो चिल्लाओ, मुझ पर खूब आरोप लगाओ। और वही आरोप जब कानून लगाएगा तब क्या करोगे? बताओ, कानून से क्या कोई बच पाया है आज तक? पूनम, ये सब क्या कर रही है माँ जी? अच्छाई का झंडा लहराने के चक्कर में कहीं ये हम सब लोगों की नाक ना कटा दे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसे इतनी होशियारी दिखाने की क्या जरूरत है। जब तक दूसरों के मामले में टांग ना अड़ाए, इसका खाना हजम नहीं होता। मुझे लगता है पूनम आज उस बाबा का तख्ता पलट करके रहेगी। कानून, तुम मुझे कानून सिखा रही हो। उसका ज्ञान तुमसे ज्यादा मुझे है, और अपने देश के कानून पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं उसका बहुत सम्मान करता हूं। तो फिर ठीक है, कानून की हथकड़ी पहनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि कानून की नजरों में भी तुमने ही तानिया का मर्डर किया है। पूनम जी बिल्कुल सच कह रही हैं। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिर पूनम को क्या जरूरत थी इस झमेले में पड़ने की? वो इसलिए कि पूनम किसी के खिलाफ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए वो इतनी हिम्मत दिखा रही है। तो तुम पहले तो ऐसी जगह उसको भेजती हो और फिर कहती हो कि ये क्या कर रही है। ये है तुम्हारा वो ढोंगी साधु महात्मा जिसकी इतने दिनों से तुम भक्त बनी हुई। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से ये पता चला कि तान्या के नाखूनों में जो ब्लड मिला है वो स्वामी जी के ब्लड से मैच करता है, और इससे ये साबित होता है कि तान्या का मर्डर स्वामी जी ने किया है। स्वामी जी ने किया, स्वामी जी ने किया। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।